वेलकम स्टूडेंट्स आज हम वर्कशीट नंबर एट करने वाले हैं और ये वर्कशीट है क्लास सिक्स की इंग्लिश सब्जेक्ट की और डेट है नाइनटीन ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है दिल्ली का वो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए वर्कशीट भेजता है और इस वर्कशीट को हम आज करेंगे वर्कशीट नंबर एट क्लास सिक्स सब्जेक्ट इंग्लिश और डेट है नाइन्टीन ऑफ अक्टूबर 2020 19 अक्टूबर 2020 की ये वर्कशीट है बहुत ही अच्छी एक वर्कशीट आई आज बच्चों के लिए सबसे पहले आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट अपना यहाँ फ़िल करना है फिर नेम ऑफ द क्लास टीचर आपको यहाँ फिल करना है तो देखिए सबसे पहले क्या है लेट्स हैव फन विद कलर्स कि आज हम जो है थोड़ा सा फ़न करेंगे इन्जॉय करेंगे विद कलर्स ठीक है कलर क्या होते हैं रंग तो देखिए सबसे पहले है ग्रीन इज पैरट देखिए ग्रीन इज पैरट पैरट क्या होता है पैरट पैरट मींस तोता तोता और तोते का जो कलर है पैरट का वो कैसा होता है ग्रीन हरा होता है इसके बाद है ब्राउन इज बार्क देखो बार्क का मतलब होता है भोंकना कौन भोंकता है डॉग ठीक है तो जो डॉग का जो कलर है वो कैसा होता है ब्राउन ऑरेंज इज कैरेट और कैरेट कैसी होती है गाजर कैरेट कैसी होती है वो होती है ऑरेंज ऑरेंज यानी कि संतरी ठीक है आगे है ब्लू इज सार्क देखो सार्क क्या होती है एक मछली होती है और उसका कलर कैसा होता है ब्लू ब्लू नीला अगेन देखिए ग्रीन इज पैरट तोता कैसा होता है हरा ब्राउन इज बार्क बार्क मतलब भोंकना और कौन भोंकता है डॉग तो जो डॉग है वो कैसा होता है ब्राउन कैरेट ऑरेंज इज कैरट और जो कैरेट होती है गाजर होती है वो कैसी होती है ऑरेंज ब्लू इज सार्क सार्क कैसी होती है जो सार्क मछली होती है वो कैसी होती है ब्लू येलो इज सन और जो सन है सूरज वो कैसा होता है येल्लो पीला रेड इज रोज रोज सबको पता होना चाहिए गुलाब का जो फूल होता है गुलाब वो कैसा होता है रेड लाल प्लम प्लम का मतलब होता है बेर ठीक है बेर और वो कैसा होता है पर्पल ब्लैक इज होज होज हम मोजे को भी बोलते हैं जो जुराब होते हैं सॉक्स होते हैं और ब्लैक इज़ होज और वो कैसे होते हैं ब्लैक ठीक है तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा एट सेंटेंसेस थे नेक्स्ट देखिए रीअरेंज द लेटर्स इन लेटर्स को रीअरेंज करना है दोबारा से इनकी अरेंजमेंट करनी है टू गेट द नेम्स ऑफ दीज कलर इन कलर्स के जिससे हमें नाम मिल जाए फिल blank, इन द ब्लैंक इन ब्लैंक्स को भरिए जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले ये समझा रहा हूँ ये लिखा हुआ है डी ई आर अब इसमें एक कलर नेम छिपा हुआ है अगर हम जो अल्फ़ाबेट है इनको आगे पीछे करें तो हमें कोई ना कोई कलर मिलेगा तो देखिए जैसे डी ई आर है तो हमें कौन सा कलर मिल सकता है आर लिखें ई e लिखें और डी तो रेड जो कलर है वो हमें मिलता है रेड कौन सा होता है लाल तो देखिए सबसे पहले इस वर्ड को अगर हम देखें ए टी ई एम ए जी एन तो इसको हम रीअरेंज करें तो हम कौन सा हमें कौन सा कलर मिलता है एम ए जी ई एन टी ए मजेंटा ठीक है तो आपको फर्स्ट में लिखना है मजेंटा सभी बच्चे समझ लें रीअरेंज करके हमें कलर लिखना है इसके बाद जो है कलर है ये इसको हम रीअरेंज करें तो कौन सा कलर मिलेगा ओ आर ए एन जी ई सेकेंड में आएगा ओरेंज ठीक है संतरी थर्ड मैंने आपके लिए दिया है आपको खुद से करना है इसके बाद जो फोर्थ है ये लिखा हुआ है जो इसको हम रीअरेंज करेंगे तो बी एल यू ई ब्लू नीला इसके बाद फिफ्थ है जो ये है वाई ई डबल एल ओ डब्लू येलो पीला और सबसे पहले मैंने आपको ही दिया था आर ई डी रेड में आर ई डी रेड आएगा सिक्स में तो अगेन मैं आपको बता दे दूँ मजेंटा इसमें आएगा ऑरेंज ब्लू येल्लो रेड ये आपके लिए खुद से आपको करना है थर्ड है जो नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट लेटर्स हमें इसमें कुछ लेटर्स लिखने हैं जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट समझाता हूँ फर्स्ट जो इन्होंने दिया हुआ एक स्पेस है उसके बाद यू है फिर स्पेस है फिर पी है फिर स्पेस है फिर ई e है तो हमें इसमें तीन जो है लेटर्स लिखने हैं जिनसे एक जो कलर नेम आए तो सबसे पहले देखिए पी यू पहले ही है आर पी अगेन लिखा हुआ है एल ई e. तो कौन सा कलर हो गया पर्पल सेकेंड देखिए बी एल ए लिखा हुआ है सी और के लिखा हुआ है तो कौन सा कलर हो गया ब्लैक सेकेंड में थर्ड में देखिए मिनट इसमें आएगा बी आर ओ डब्ल्यू एन ब्राउन थर्ड में फोर्थ में डब्लू लिखा हुआ है आई और ई तो डब्ल्यू एच आई टी ई वाइट सफेद इसके बाद G R डबल ई एन ग्रीन हरा और सिक्स में आएगा पी आई एन के पिंक ठीक है तो सभी आपको समझ में आ गए होंगे एक बार बता देता हूँ पर्पल ब्लैक ब्राउन वाइट ग्रीन पिंक नेक्स्ट देखिए नाउ लेट अस रीड एंड कलर हमें इसमें कलर करना है और सब इसको पढ़ना है तो देखिए सबसे पहले द सन इज येल्लो तो सन कहाँ है यहाँ पर कौन सा कलर आएगा इसमें येल्लो एंड क्लाउड्स आर व्हाइट क्लाउड्स क्या होते हैं क्लाउड्स का मतलब होता है बादल और बादलों में कैसा कलर आएगा वाइट इसके बाद देखिए सेकंड है द फेसेस आर ऑरेंज एंड येल्लो फिशेस क्या होती हैं मछलियाँ मछलियाँ कैसी हैं यहाँ पर हैं ये कैसी हैं जो हैं ऑरेंज और येलो हैं द वाटर इज़ लाइट ब्लू एंड बुश आर ग्रीन कि जो वाटर है वो उसका कलर कैसा है लाइट ब्लू हल्का नीला और बुश का कैसा है हल्का सॉरी बुश का कैसा है ग्रीन यानी कि झाड़ियों का ठीक है बुसज का मतलब होता है झाड़ियाँ आगे है द बेंचेज आर ब्राउन बेंच का रखी हुई ये इनका कलर कैसा होगा ब्राउन एंड द ग्रास इज ग्रीन और जो ग्रास है घास है उसकी उसका कलर कैसा होगा ग्रीन यहाँ पर ठीक है द बटरफ्लाइज आर येल्लो एंड रेड ये रही तितलियाँ तितलियों का जो कलर है वो कैसा होगा येल्लो एंड रेड द लोटस इज पिंक और लोटस ये रहे ठीक है लोटस जो है लोटस का जो कलर है कमल का फूल इसका कलर कैसा होगा पिंक लीव्स आर डार्क एंड ग्रीन और जो पत्तियां हैं उनका कैसा कलर होगा थोड़ा डार्क ग्रीन द काइट इज रेड काइट है जो वो कैसी होगी रेड येलो ऑरेंज एंड ग्रीन इन सभी में ये जो कलर है आएंगे द स्काई इज लाइट ब्लू और जो आसमान है ये आसमान कैसा होगा लाइट ब्लू हल्का नीला और देखिए लास्ट में जो दिया हुआ है एक कैब मैसेज हम पढ़ते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको बोलते हैं कि कोविड को रोकने के लिए जो हमें अपना व्यवहार कैसा रखना है कोविड की फॉर्म मैंने आपको पिछली बार बताई थी अगेन आपको बता रहा हूँ कोरोना वायरस डिजीज कीप मेंटेनिंग फिज़िकल डिस्टेंस ऑफ सिक्स फीट और टू यार्ड्स कि हमें लगभग छः फीट की दूरी या दो यार्ड या दो गज़ की दूरी अवश्य एक दूसरे से बनाए रखनी है फिज़िकल डिस्टेंसिंग के लिए होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा प्लीज़ शेयर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू